हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2800 रुपये से लेकर के 3000 रुपये की रेंज के बीच में स्टॉक परफॉर्मेंस कर रहा है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2963 रुपये का। यहाँ से क्या टारगेट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 2826 के ऊपर स्टॉक आया और यहाँ पर हमने देखा एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी और इसके बाद फिर से हम देखते हैं अचानक से एक रेड कैंडल बनती है। ये देखिए, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद अगली दिन रेड कैंडल बनी, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, फिर आप देखेंगे एक बार फिर से गिरावट 2840 रुपये तक। यहाँ से फाइनल स्टॉक ऊपर की तरफ चला और एक बार हमें 3000 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे। अब आप सपोर्ट देख सकते हैं 2900 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। फिर से स्टॉक चलता है 3025 तक, फिर गिरावट हुई, 2900 का लेवल ब्रेक होकर के स्टॉक 2826 रुपये पर आकर के सपोर्ट करता हुआ आपको दिखाई दिया। यहाँ से हमने देखा स्टॉक के अंदर तेजी आती है और 3000+ जाने के बाद एक बार फिर स्टॉक नीचे आता है। सपोर्ट आप देखेंगे 2900 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, यदि यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहेगी तो स्टॉक एक बार फिर से 3025 रुपये तक के टारगेट आपको डेफिनेटली दे सकता है शॉर्ट टर्म में। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 3025 के टारगेट लिए नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको 2900 रुपये का रखना होगा। यदि आप अभी बाइंग कर रहे हैं उस केस में 2960 की अगर आपकी बाइंग है तो 2900 आपका स्टॉप लॉस है और 3025 रुपये आपका यहाँ पर टारगेट आप रख सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए।